नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं एक कमाल का गैजेट। जी हां, एक कमाल का कैमरा, ये मिनी कैमरा HD की क्वालिटी के अंदर ये मिनी कैमरा है। और सबसे बड़ी खासियत इस कैमरे की ये है कि हम इसे कहीं पर भी चिपका सकते हैं, कहीं पर भी मतलब इसके पीछे है एक मैग्नेट और इसको आप कोई भी लोहे की सरफेस पर आप इसको चिपका के चले जाओ और आप इसको देख पाओगे वाईफाई के थ्रू लाइव आपके मोबाइल के अंदर। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है इस प्रोडक्ट के अंदर, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बॉक्स के साथ में क्या आता है, क्या क्वालिटी है, नाइट विजन इसके अंदर है या नहीं है और कितनी रेंज में ये आपको कवर करेगा, कैसी क्लियरिटी देगा इस बारे में। तो मेरा नाम है भरत जैन और शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को पता है इंस्टाग्राम पर हर रविवार रात को मैं आता हूँ लाइव 9 बजे और वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम की डिस्कशंस करते हैं। सो मेरा आईडी है Bharat_KJain, जाइए फॉलो करिए, मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे। सो हमको मिलता है इस तरह से एक meragadget.com से आने वाला एक ये बॉक्स और बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। कुछ सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, जैसे इस तरह से यहाँ पर है हमारा एक ये मैन यूनिट, ये जो कैमरा जिसके बारे में बात करने वाला हूँ आज पूरा का पूरा। साइड में यहाँ पर है एक छोटा सा ये बॉक्स और बॉक्स में क्या होगा, आई थिंक कुछ केबल वेबल होगा और बॉक्स भी नॉर्मल सा बॉक्स है। इसके अंदर आपको मिलता है कि डेटा केबल, उसके साथ में एक यहाँ पर एक और छोटा सा डेटा केबल है, कुछ डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और क्या है, और यहाँ पर हमें एक मिलता है छोटा सा स्टैंड और स्टैंड के साथ में एक और चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, मेटल का है और यहाँ पर 3M की कुछ डबल टैप है राइट, तो चिपकाने के लिए ठीक है। और इधर भी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और बॉक्स में हमें एक मिल रही है यहाँ पर एक बुकलेट, जो आई थिंक इस टाइप के कैमराज में तो पढ़नी ही पड़ती है। सो अब हमारे पास में जो हमें चीज़ें मिली हैं वो है यहाँ पर एक स्टैंड, एक हमारे पास में एक ये मेटल की चीज़ और इतनी चीज़ें हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो कैमरा है उसको हम पहले सबसे पहले आपको एक चार्ज करना पड़ेगा। एक बार फुल चार्ज करने के बाद में ये कैमरा आपका चलने वाला है करीबन 1 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग ये कर लेगा। और यहाँ पर लगता है इस तरह से बहुत ही छोटा है, पहली बात तो ये जस्ट आप देख पा रहे हैं सिर्फ इतना सा ये कैमरा है जिसके अंदर वाईफाई हर चीज़ है, आप इसको देखिए। और यहाँ पर आपको मिलता है एक माइक्रो SD कार्ड, तो इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा एक अलग से माइक्रो SD कार्ड, 32 GB ये सपोर्ट करता है, इसके अंदर आप लोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको मोबाइल के थ्रू भी देखा जा सकता है जो रिकॉर्डिंग हुई है। और एज वेल एज़ अगर इस मेमोरी कार्ड को मैं निकाल कर अगर कंप्यूटर में लैपटॉप में लगाऊँ तो भी मैं वहाँ पर देख सकता हूँ। यहाँ पर मिल जाती है हमें एक मोड की स्विच और यहाँ पर है ये ऑन ऑफ की स्विच और यहाँ पर है ये एक इंडिकेटर लाइट और इधर मिल जाता है हमें चार्जिंग का माइक्रो USB केबल लगाने का स्लॉट। पीछे हमें मिलता है यहाँ पर इसका QR कोड जहाँ से हमें स्कैन करना है इस कैमरे को अगर मुझे अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना है तो। दूसरी अगर चीज़ों के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर इसको इस तरह से चार्जिंग पे भी लगा दो या फिर आपको कहीं पर लटका देना है कुछ इस तरह से राइट, और अगर आप इसको लटकाना चाहें तो आप इसको कुछ इस तरह से लटका सकते हैं आराम से, डायरेक्ट आप चार्जर के अंदर डालकर, ताकि क्या है कि चार्जिंग भी होता रहे और आपका काम भी होता रहे। सो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये है आपके पास में इसका डेटा केबल इसको चार्ज करने के लिए। ये अलग से यहाँ पर स्टैंड दिया है, अब ये जो स्टैंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसको आप 3M की जो टैप है इसको निकाल कर आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं अगर वो लोहे की सरफेस नहीं है तो, क्योंकि ये तो मैग्नेट है, ये देखिए इस तरह से ये चिपक गया। ओके, सो ये इस तरह से चिपकता है और यहाँ से ये 3M की टेप को निकाल कर जहाँ पर अगर लोहे की सरफेस नहीं है वहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसके थ्रू लगा सकते हैं। और प्लस इसके साथ में ये एंगल दिया हुआ है सो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टैंड को नहीं लगा कर आप डायरेक्टली अगर ऐसी जगह पर कैमरा लगाना चाहते हैं जहाँ पर लोहे की सरफेस नहीं है तो इसके पीछे ये लोहे का प्लेट है और इसके पीछे भी यहाँ पर टैप से इसको चिपका दीजिए और इसके ऊपर आप इस कैमरे को इस तरह से लगा दीजिए
राइट। तो इस तरह से आप इस कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखेंगे कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है, इसकी जो क्लैरिटी है वो किस तरह की है और इसमें कौन सी एप्लीकेशन हमें यूज़ होगी। तो हमें इसको ऑन करने के लिए ये ऑन ऑफ की जो बटन है आपको इसको ऑन करना है। इसको एक बार दबा के रखेंगे तो यहाँ से ये कुछ कैमरा ऑन हो जाएगा। तो कैमरे को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको आपके मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के अंदर आपको इंस्टॉल करनी है ये जो HD मिनी कैम नाम की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाली है, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी यहाँ पर जो आपके पास में लीफलेट आया हुआ है, जो इसका मैनुअल है, यहाँ पर ये QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए इसके बाद में आपको ये जो कैमरा है वो एक बार फुल चार्ज कर लेना है। फुल चार्ज होने के बाद में आपको ये जो मोड की जो बटन है उसको आप दबा के रखिए, यानी कि इसको यहाँ से ये ऑन किया मैंने, इस तरह से ये ऑन हो गया, थोड़ी देर आपको वेट करना है। और इसको रीसेट करने के लिए आपको ये जो मोड की बटन है उसको थोड़ी देर तक दबा के रखना है और ये जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। ओके, तो वो इसका मतलब हो गया कैमरा आपका जो है वो रीसेट हो गया है। सो पहले ऑलरेडी हमारे पास में ये रीसेट किया हुआ है और हमने इसको यहाँ से कर लिया है ऑन। और ऑन होने के बाद में करीबन आपको वेट करना है करीबन एक मिनट का, और इसके बाद में आपको जाना है आपके आपके फ़ोन के वाईफाई में, और वाईफाई में आपको सर्च करना है इस कैमरे को। तो जब आपको इसको आप वाईफाई के थ्रू सर्च करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से CM2260 इसका जो ID है वो आपको मिल जाएगा। सो आपको यहाँ से कर लेना है इसको कनेक्ट, हम इसको कर रहे हैं कनेक्ट, और यहाँ पर आपको करना है इसको डिक्लाइन क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट नहीं है। सो हम इसको करेंगे डिक्लाइन और वापस हम जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर हम इसको करेंगे सर्च मतलब ऐड। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट CM2260 वाला जो है वो हमारा ऐड हो गया, और हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसको करते हैं क्लिप। यहाँ से अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पासवर्ड चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से, लेकिन अभी मुझे कोई पासवर्ड चेंज नहीं करना है, मैं इसको करता हूँ स्किप। और जैसे ही मैंने स्किप किया सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है। सो बहुत ही इसका जो एंगल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वाइड एंगल का कैमरा है ये, और चलिए मैं आपको इसको कहीं पे चिपका के दिखाता हूँ। सो अब हम इसको लेके जाते हैं कुछ इस तरह से, और आप इसका रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे आई थिंक, और मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, राइट। सो आप देखिए एक छोटा सा कैमरा मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, और आप मुझे देख पा रहे होंगे राइट, किस तरह की रिकॉर्डिंग आ रही है यहाँ पर, और काफ़ी वाइड एंगल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जो विज़न जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो भी यहाँ पर HD है। सो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मुझे यहाँ पर इस कैमरे के अंदर मिल रही है, और अगर मुझे इसके अंदर माइक ऑन करना हो तो मैं यहाँ से इसका माइक भी ऑन कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सो जो इसकी ऑडियो की क्वालिटी है, आप मेरी ऑडियो यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे शायद, तो ये जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हुआ है हमारे इस कैमरे में से। और इसका अगर नाइट विज़न हमें चेक करना हो तो हम इसका नाइट विज़न भी चेक करके देखते हैं, और नाइट विज़न इसके अंदर मैनुअल है, जो नाइट विज़न है वो इसके अंदर मैनुअल है, और ये जो मैनुअल है वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा इस जगह पर क्लिक। सो मैंने इसका कर दिया नाइट विज़न एक्टिवेट, ये देखिए अब ये इसका नाइट विज़न जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो नाइट विज़न जब एक्टिवेट होगा तब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी इमेज, और मैं यहाँ की इस रूम की जो सभी लाइटें हैं वो बंद करता हूँ, और ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो नाइट विज़न की रिकॉर्डिंग है। इतनी खास रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रही है। मैं TV भी अपनी जो LCD है वो बंद करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट नाइट विज़न पता चले। सो ये इसका नाइट विज़न है, और नाइट विज़न भी ओके है, इतना खास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के खुफिया कैमरे के अंदर इस तरह का नाइट विज़न मिलना भी एक अच्छी बात होती है। सो नाइट विज़न यहाँ पर अच्छे से वर्क
कर रहा है। सो हम इस कैमरे के अदर फीचर्स के बारे में देखते हैं। पहले हम इसका नाइट विजन हटाते हैं और मैं बैठ गया अपनी चेयर पर, और जैसे ही नाइट विजन डीएक्टिवेट किया आपको ये कलर इमेज मिल गई और मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने स्टूडियो में, बना रहा हूँ अपना वीडियो। और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 640p है तो यहाँ पर आप इसका 1080p रिजोल्यूशन है वो आप करेंगे तो, और इसके अंदर जो क्लियरिटी है वो देखिए आपका और क्लियरिटी इसका जो है वो बढ़ गया है। सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर क्लियरिटी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इस पाई कैमरे में इस तरह के फीचर्स मिलना बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ का इसका रिजल्ट लगा। राइट, ग्रेट। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो तो आपको बैक आना पड़ेगा, और बैक आने के बाद में आप यहाँ पर जो रिकॉर्ड की बटन है आप इस रिकॉर्ड की बटन को दबाएंगे और जाएंगे इस जगह पे लोकल, और लोकल में एचडी कार्ड के अंदर हमारा ये जो कैमरा है और ये जो क्लिप्स हैं जो भी मैंने इस कैमरे से रिकॉर्ड किए हैं वो सब क्लिप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सो आप इस तरह से ये क्लिप देख सकते हैं। अदर में फीचर्स की बात करूँ तो आप ये जो कैमरा है इसको इंटरनेट पे नहीं देख सकते। ओके, यहाँ पर इंटरनेट का जो इनका सर्वर है वो फिलहाल इतना एक्टिवेट नहीं है तो इंटरनेट पे आप ये नहीं देख पाओगे इस कैमरे को। वाईफाई की रेंज में आप देख सकते हो, अगर आपने घर में राउटर लगा के रखा हुआ है राउटर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में एडवांस कॉन्फ़िग, एडवांस कॉन्फ़िग में जाने के बाद में आपको करना है वाईफाई कॉन्फ़िग, और यहाँ पर आपको जो SSID आएगा जो भी वाईफाई उसके साथ में इसको कनेक्ट कर लो तो पूरे घर में आप जहाँ जहाँ पर आपका वाईफाई का नेटवर्क है वहाँ पर आप आराम से इस कैमरे को देख सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसको लगाने के कई अलग अलग तरीके हैं और जो अलग अलग तरीके हैं वो मैं आपको शूट करके बता रहा हूँ। और आप इस तरह से इसको, ये जो कैमरा है इसको आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं, आपके साथ में जो ये केबल आया हुआ है केबल के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके आप बोर्ड के साथ में लगा सकते हैं या फिर जो भी लोहे की चीज़ें हैं वहाँ पर इसको चिपका सकते हैं। इसके साथ में जो स्टैंड आए हुए हैं आप उस स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, आप इसका यहाँ पर ये जो है निकाल कर इसको आप चिपका सकते हैं और इसके ऊपर कैमरे को चिपका सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं आप डायरेक्ट कैमरे को लगाना चाहते हैं दीवार के ऊपर तो भी आप इसका यूज़ करते हुए इसको लगा सकते हैं। तो यही था आज के हमारे इस मैग्नेट वाले कैमरे के अंदर। तो मुझे तो ये जो एकदम छोटा सा जो कैमरा है जो कहीं पर भी चिपक जाता है लोहे की सरफेस पे, मुझे तो काफ़ी पसंद आया और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है और आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है और ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पर जाकर meragadget.com पर जाकर आप इस कैमरे को ख़रीद सकते हैं और आपके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी उनके सॉल्यूशन भी इस कैमरे से निकाल सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको आज का जो हमारा कंटेंट है वीडियो है अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।